सबसे पहले स्टेप में तो लाइब्रेरी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है, ये जो किया था उस दिन आपने, प्रॉपर्टीज में, लाइब्रेरीज में, ऐड लाइब्रेरी, MySQL, JDBC, ड्राइवर, कमांड लाइन पे उस दिन करके देखा था हमने, रिपीट कर लेते हैं उसको थोड़ा सा इसी करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्लास डॉट फोर नेम क्लास को लोड करना पड़ेगा जो लाइब्रेरी में कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। इसके बाद कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग लोकल होस्ट 3 0 6 डेटाबेस से हमने यूज किया था जो वही कर लेते हैं मार्ट। लॉगिन नेम यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, ऐसी कोडिंग थी हमारी, तो ये ट्राई कैच में रख लेते हैं। कनेक्शन अगर सक्सेसफुल हो जाता है हमारा, देखते कोई मिस्टेक ना हो, तो ठीक है, अब स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट में मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स ये वाली लाइन लिख रहा हूँ क्यूरी, ठीक है। स्टेटमेंट बनाने के बाद क्यूरी नीचे लिखूंगा ST डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, ये आपको रिटर्न करेगी रिजल्ट सेट, और ये रिजल्ट सेट हमने प्रिंट करके देखा था उस दिन कि वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट प्रिंट कर ले आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, हम कर लेते हैं नेम्स, नेम्स होंगे उसके सेकंड कॉलम इस टैग में, सही वाले नेम्स क्यूरी का रिजल्ट ये हम उस दिन करके देखा था। अब इस चीज को ग्राफिक्स पे लेके चलते, फ्रेम बनाते हैं एक, फ्रेम बना लिया मैंने, हाँ रिकॉर्ड सिर्फ वहां पे रिकॉर्ड रखेंगे और कुछ भी नहीं, क्यूरीज वगैरह जो ऑपरेशन कैलकुलेशन सब चीज जावा में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। डेटाबेस हमारी वो हो जाती है बैकएंड लेयर, ये हो जाता है फ्रंट एंड, ठीक है। नहीं, बस डेटा होना चाहिए, जैसे ये डेटा था ना मेरे डेटाबेस में, बस इसकी सारी क्यूरीज चल रही। अब यहां पे मैं एक बटन लगा देता हूँ सिंपल, पहले बटन पे करके देख लेते हैं ये काम, हमें लोड लोड के बटन पे हम क्या कर रहे हैं, वही कोडिंग जो वहां की थी यही मैं भी फिलहाल कॉपी पेस्ट करता हूँ। फिलहाल ये कोडिंग कर रहा हूं, अब लोड के बटन पे ये प्रोडक्ट्स पिक करके प्रिंट करें जो वहां कर रहा था, सही।
जब भी क्लिक करेंगे प्रोडक्ट प्रिंट कर लो। लेकिन अब प्रिंटिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसको फ्रेम पे किसी चीज पे दे दो। तो इस सिनेरियो में यहां देखें क्या हो रहा है, ग्राफिक एप्लीकेशन है, बटन क्लिक करने पे क्या कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है, स्टेटमेंट बना रहा है, क्यूरी ला रहा है, नेक्स्ट टाइम फिर कनेक्शन बना रहा है, फिर क्यूरी ला रहा है, ठीक है। तो ये बार बार जो कनेक्शन बन रहा है ना, ये प्रोजेक्ट में हम नहीं बनाते, कनेक्शन बनता है सिर्फ एक दफा, सही। तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन वाली जो लाइन है ना, ये वाली ऊपर वाली इंपॉर्टेंट लाइन, इनको उठा के कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे। एक ही दफा जब क्लास रन हो, जब चले बटन क्लिक पे क्यूरीज आती जाए, कनेक्शन वही है। तो ये तीन लाइन कट करके मैं कंस्ट्रक्टर में रख रहा हूं। क्योंकि ये तीन लाइन एक ही बार चलेंगी। हाँ, बस ये करना पड़ेगा हमें कि नीचे हम एक्सेस कर रहे हैं एसटी को और इन सब को, तो ये एसटी जो है ये मुझे ग्लोबल करना पड़ेगा, और कनेक्शन भी कर देता हूँ, हो सकता है नीचे क्लोज करना पड़ जाए ना, तो इसको ग्लोबल कर देता हूँ। कनेक्शन ये ग्लोबल होगा ताकि सब जगह एक्सेस हो सके। यहाँ से इसके फाइनली ब्लॉक में मैं क्लोज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कॉन डॉट क्लोज, ठीक है। अभी नहीं कर रहा, इसके बाद वाले स्टेप पे करके देखो। अब क्या हो रहा है कि ये लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। अभी सेम काम ही, लेकिन अब कनेक्शन एक दफा बन गया। अब जब तक आपका प्रोग्राम बन नहीं होता ना, कनेक्शन, बल्कि कनेक्शन फिर भी बन नहीं होता, हमने बन नहीं किया कनेक्शन, हम बंद करेंगे प्रोग्राम के बंद होने। अभी अगर मैं इसको फाइनली पे बंद कर दूं, कॉन डॉट क्लोज, एक सेकंड, उसमें भी एक ट्राई कैच लगाना पड़ेगा जो एक्सेप्शन थ्रो करता है। अगर मैं इसको यहीं पर ही बंद कर दूं बटन पे, तो देखिए ये नेक्स्ट टाइम करूंगा तो एरर आ जाएगा। बटन क्लिक जब पहली दफा हो, कनेक्शन बना, रिजल्ट आया, कनेक्शन बंद हो गया। अब नेक्स्ट टाइम बटन क्लिक हुआ तो कनेक्शन वाली कोडिंग कंस्ट्रक्टर में वो तो नहीं चली, रिजल्ट मांग रहा है वो कनेक्शन, जब उसके बंद हो चुका था, इसी ने बंद किया था, है ना। तो नो ऑपरेशन अलाउड आफ्टर स्टेटमेंट क्लोज्ड। तो हम यहां बंद नहीं करेंगे, हम इसको रखेंगे किसी ऐसी जगह पे जहां ये हमारे पास आखिर में चल जाए। अब चाहे तो हम इसको, इसके जो इवेंट्स पड़े थे क्लोजिंग के, विंडो क्लोजिंग पे रख देते, विंडो क्लोजिंग पे क्या हो कि कनेक्शन बंद हो, ये सेफ्टी के लिए हम रख देते। ऑटोमेटिक फॉर्म क्लोज होने पे कनेक्शन बंद हो जाएगा। तो हमारा मेन काम ये है, रिजल्ट सेट आपको बार बार बनाना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट सेट हमेशा नए आते हैं। तो अब बटन पे ये काम तो हो गया कि प्रिंट हो रहा है। अब हम कह रहे हैं प्रिंटिंग ना हो भाई, इस पे कोई भी ऐसी चीज ले लेते हैं, हम एक उठा लेते हैं कॉम्बो बॉक्स के, भाई ये सारे प्रोडक्ट के नेम क्लिक करने पे कॉम्बो बॉक्स में लोड हो जाए। तो यहां पे जहां मैंने ये प्रिंटिंग करी है ना, अब प्रिंट नहीं करूंगा, सबसे पहले तो अपना वो बनाऊंगा कॉम्बो बॉक्स, डिफॉल्ट कॉम्बो बॉक्स जो बनाते थे हम, मॉडल स्ट्रिंग मॉडल इक्वल टू बॉक्स मॉडल, और इसकी जगह पे ये मॉडल में ऐड कर देते हैं बस, मॉडल डॉट एड एलिमेंट आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग टू, और हाँ जी कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सेट मॉडल मॉडल, ठीक है, मॉडल बना के उसमें रखे और वो मॉडल सेट कर दिए। अब जब लोड करेंगे तो ये तमाम इस पर लोड हो जा रहे हैं, सही।
मॉडल मैंने यही बनाया है इसलिए बार बार लोड होके आ जाएंगे। यही काम अगर मैं ये वाला काम भी कंस्ट्रक्टर में रख दूं तो फ्रेम ओपन होते ही लोड हुए जाएंगे, बटन पे नहीं होंगे, है ना, या लोडिंग के इवेंट पे लगा दूं, ओपनिंग के इवेंट पर उस पर आ जाएंगे। लिस्ट पे भी सेम तरीके का है, लिस्ट पे भी आ जाएंगे, कर लेंगे लिस्ट पे, है ना। ये कॉम्बो ऑक्स का डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल बनेगा, जस्ट टेबल पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक दफा। और हमने यहाँ पे टेबल ले ली हुई, ये टेबल है, इस पे मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ डेटा, डेटा हमारे पास मौजूद है, नेम और प्राइस दो चीज़ें आ जाएंगी, दो से ज़्यादा जितनी चीज़ें चाहिए आपको आ जाएंगी। तो देखें सबसे पहले तो हम बना देते हैं डिफॉल्ट टेबल मॉडल, मॉडल डॉट एड कॉलम, एक मैंने बना दिया प्रोडक्ट नेम, जरूरी है कॉलम नेम डेटाबेस से मैच करेंगे हमारे हैं जो डिस्प्ले के देने, मॉडल डॉट एड कॉलम, प्राइस रेट कुछ भी दे दिया, दो कॉलम, तीन चार जितने चाहे कर लो। अब रिजल्ट सेट में मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, भले सारी आ रही है सारी भी आ जाए, लेकिन जब चाहिए ही दो तो दो ही लेना पूरे स्टैटिक से, और चीजें क्यों लेंगे। तो हम ले लेते हैं कौन कौन से कॉलम नेम है हमारे पास, प्रोडक्ट नेम और प्राइस, प्रोडक्ट नेम कॉमा प्रोडक्ट प्राइस। अब यहाँ एलिमेंट में मॉडल डॉट एड रो इस तरह ही कर देते हैं, न्यू स्ट्रिंग यहाँ देते हैं दो वैल्यूज, यहाँ दे देंगे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग वन, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग वन कॉलम कॉमा टू कॉलम, दोनों की एक एक वैल्यू हर रो में रख देगा। और नीचे सेट कर देंगे जे टेबल वन डॉट सेट मॉडल मॉडल, सही है। एरर्स में हमें मेहनत करनी पड़ती है, स्क्यू लगाई और आ गया बस इजी। अब रिजर्वेशन वाले काफी काम हो जाएंगे, है ना, सिर्फ क्यूरीज ही है, रिजल्ट वगैरह सब आपको मिला हुआ। हाँ कोई इसमें और करते हैं, थोड़ा और करते हैं, टेबल की सूरत में हम क्या कर सकते हैं और जितनी क्यूरीज हमने पढ़ी है सब यहाँ अप्लाई हो सकती है। हम इसमें कर लेते हैं कि भाई हमें अब टेबल हटा के अब थोड़ा डेटा डिफरेंट तरीके से लाते हैं। अब ये बटन और ये टेबल दोनों चीजें हटा रहा हूँ, गेट वाले हाँ नहीं, वो इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों करो, अभी तो सिलेक्ट का चल रहा है ना, तीनों चलेंगे हमारे। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे इस तरह लेते हैं कि प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, भले सारे कॉलम या कोई एक तो कॉलम जितने हमें चाहिए, क्वांटिटी वगैरह जितने मैं तीन ले रहा हूँ, चारों चाहिए चारों ले लें। यहाँ मैंने टेक्स्ट फील्ड लगा दी एक, ठीक है, इस पे क्या हो टेक्स्ट फील्ड पे कि जैसे ही ये मैं लोड के बटन पे क्लिक करूं तो यहां पे डेटा लोड होके आ जाए, इस पे आ जाए पहला डेटा, जो पहला डेटा है ना वो आ जाए, लेस का आ जाए। तो इनको वैसे तो हम अभी एडिटिंग नहीं कर रहे इस पर, तो रीड ओनली या एडिटेबल फॉल्स रखते हैं वैसे तो, ताकि एडिटिंग ना हो सके। लोड के बटन पे कोडिंग करते हैं, पहला डेटा आ जाए, तमाम डेटा ना आए,
a result set rs s3 dot execute query वो statement वगैरह सब बनी हुई है ऊपर select product name comma product id product name अच्छा मुझे चाहिए सारा display सिर्फ पहला हो आए पहला नहीं display सिर्फ पहला हो product price तीन चीजें मैं ले रहा हूँ products tables सही ठीक इस result set में ये query execute हो गया तीनों कॉलम का डेटा आ गया हो अब इसमें हम क्या करना है वाइल लूप नहीं चला वाइल होता है जब सारा डेटा मैं डिस्प्ले करा मैं डेटा तो आ गया डिस्प्ले करा मैं कह रहा हूं कि इफ आर एस डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करता है नेक्स्ट कर्सर पे मूव करेगा इफ परमिशन देगा अगर है तो मूव करे नहीं तो एल्स में आ जाएगा तो अब इफ के अंदर क्या कर रहे हैं भाई जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट सेट टेक्स फील्ड वन में आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग वन का डेटा दे दे टू में और थ्री टू कॉलम का थ्री कॉलम सही तीनों डेटा नेक्स्ट क्या करेगा पहली रो पे लाएगा बस प्रोडक्ट आईडी फील्ड वन पे सेट करे नेम टू पे ये थ्री सही बार बार पहले ही आएगा क्लियर समझ आई चीज इजी अभी तक मुश्किल नहीं होता ना अब इसमें थोड़ी सी और करते हैं चेंजिंग इसमें लगाते हैं हम नेक्स्ट का बटन ठीक नेक्स्ट के बटन पे क्या हो कि अब हमें क्यूरी चलाने की जरूरत नहीं है क्यूरी लोड के ऊपर चल चुकी है डेटा आ चुका है रिजल्ट सेट में इस रिजल्ट सेट को नेविगेट करना है इसको नेक्स्ट करवाना ठीक है तो हम इस पे सिंपल ये काम करेंगे नेक्स्ट के बटन पे कि अगर नेक्स्ट जा सकते हो तो जाओ और ये डेटा सेट कर दो सिंपल पर नेक्स्ट को ग्लोबल कर आर एस को ग्लोबल करना पड़ेगा क्योंकि अब दूसरे मेथड में एक्सेस कर रहे हैं इसको ग्लोबल रखना पड़ेगा अब लोड के बटन पे क्या हो रहा है आर एस चल रहा है क्यूरी ला रहा है पहला डेटा दे रहा है नेक्स्ट करके नेक्स्ट के बटन पे जिस पोजीशन पे उसने छोड़ा था लोड ने उससे नेक्स्ट जा रहा है ठीक है लोड हुआ अभी कर्सर है जीरो पोजीशन पहली पोजीशन पर नेक्स्ट पे आ गया दूसरी पोजीशन पर दूसरी पे यही है मैगी अब कर्सर किस पे दूसरी पे अब नेक्स्ट करूंगा दूसरी से आगे बढ़ेगा ये तीसरी फिर नेक्स्ट पे फोर पे फिर नेक्स्ट पे फाइव पे इफ कंडीशन लगी अब आगे बढ़ेगा ये सही है हाँ अगर इफ के एल्स में कुछ दिया हुआ होता क्या हम कोशिश करें या एल्स में कुछ दिया हुआ होता कि एल्स में दे दे भाई कि जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस एंड ऑफ रिकॉर्ड लोड करने के बाद जब मैं नेक्स्ट करूंगा जब आखिर में आएगा एंड ठीक है कोई डिफिकल्टी इजी नेविगेशन है मुश्किल नहीं है हाँ लोड पे हमने क्या किया है कि नेक्स्ट किया है ठीक है
अब जब लोड वापस क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये क्यूरी फिर से रन कर रहा है, फिर से कर्सर जीरो पे आ रहा है, इसलिए तो इस पे हम क्यूरी रन नहीं कर रहे, इस पे सिर्फ नेक्स्ट वाला कॉल कर रहे हैं। अब हम एक बटन बना देते हैं यहां पे प्रीवियस। प्रीवियस पे क्या होगा कि जो कोडिंग मैंने ऊपर की है ना, सेम कोडिंग है, सेम डेटा सेट यहां पे, सेम कोडिंग, बस आपको ये नेक्स्ट की जगह मेथड कॉल करना है प्रीवियस का, बस और कुछ भी नहीं। एंड ऑफ रिकॉर्ड की जगह कर दें स्टार्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्या बिल्कुल स्टार्ट पहुंच जाए, ये लोड हुआ, नेक्स्ट प्रीवियस, इजी। दो मेथड और है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लास्ट के मेथड दें, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाएगा, लास्ट पे लास्ट रिकॉर्ड में चला जाएगा, सही समझ आया। थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से इसको इस तरह करते हैं कि जो मैं पूरी पूरी कोडिंग लिख रहा हूँ ना, हम ये नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह पे देखें क्या करते हैं, सिंपल एक काम है कि हम एक मेथड बनाते हैं कि अनिस डॉट कैट स्ट्रिंग है, मैं कर रहा हूँ इसमें प्राइवेट वाइल्ड सेट डेटा, मेथड तो कहीं भी बन सकता है, या डिस्प्ले डेटा किसी भी नाम से मेथड बना। इस मेथड पे ये वाली कोडिंग, ये कोडिंग रखती है बस, जिस पे सेटिंग हो रही है डेटा की, और यहां पे ये मेथड बना। प्रोफेशनल इस तरह होता है, क्योंकि डिस्प्ले डेटा हम बार बार नहीं करते हैं। अब यहां जहां जाएंगे लाइन लिखी है ना, बस नेक्स्ट करें और डिस्प्ले डेटा, ये मेथड कॉल कीजिए आपका डेटा डिस्प्ले कर देगा। इसका काम है सिर्फ डेटा को सेट कर, काम अभी वही होगा। काम अभी वही होगा, बटन आप फर्स्ट लास्ट का बना लीजिएगा, एक में बना देता हूँ फर्स्ट का या लास्ट का, फर्स्ट का बना देता हूँ। अब फर्स्ट के बटन पे क्या होगा, सिंपल कि आपने मेथड कॉल किया, इफ तो लगेगा नहीं क्योंकि फर्स्ट जो होता है ना, भले लगा लेंगे लेकिन आर एस डॉट फर्स्ट करें, फर्स्ट तो वैसे ही फर्स्ट पे, लेकिन नेक्स्ट प्रीवियस में तो हमें पता नहीं होता कि नेक्स्ट जाएगा नहीं जाएगा, फर्स्ट तो लेगी फर्स्ट पे आएगा, तो फर्स्ट करें, ट्राई कैच में रखें, फर्स्ट के बाद सिंपली डिस्प्ले डेटा कर दो ताकि फील्ड्स रिफ्रेश हो जाए हमारे, बस हमें किसी भी रिकॉर्ड में फर्स्ट पे आऊंगा तो फर्स्ट पे ले आएगा, ठीक है फर्स्ट पे, फर्स्ट पे। अब ये लोडिंग ऑटोमेटिक हो जाए पहले, मतलब पहले फॉर्म पे हो जाए, क्लोजिंग पे हो जाए, लोड के बटन पे ना हो, फॉर्म ओपन होती हो जाए, क्या करेंगे, या तो कंस्ट्रक्टर में रख देंगे ये लोड पे जो मेथड रखा है, या फिर लोडेड ओपनिंग वाले इवेंट पे, सही है, क्लियर। अब इसी के अंदर हम करते हैं चेंजिंग्स थोड़ी सी, अब गेट करते हैं यहां से कि भाई हमें बताए कि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं टोटल कितनी कीमत की है, टोटल कितने अमाउंट की, इसी पे क्यूरी लगाते हैं, डिस्प्ले डेटा के मेथड डाल, एक हम कोई भी लेबल लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, इसमें हमारी कीमत आ जाए, बस
exact sum, product price multiplied by sum product quantity. ये पहले क्यूरी वाले यहाँ चला के देख लें कि आपको अंदाजा हो जाएगा भाई सही चल रही है, ठीक है. इसको यहाँ से कॉपी कर लें चलाने के बाद, हम अपनी उसके लिए रखते हैं आसानी के लिए. सम प्रोडक्ट क्वान्टिटी, इन दोनों के सम का मल्टीप्लीकेशन बता दें, बता देगा इतने की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास. ये क्यूरी कर चुके हैं पहले भी, ये क्यूरी ला के यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं इस पर. अभी ये रिजल्ट सेट में डेटा आ गया होगा, एक ही कॉलम आया होगा और एक ही रो होगा. तो हम कर लेते हैं आर एस डॉट नेक्स्ट. तो लेबल था हमारा जी लेबल वन, भले एंड करूँ स्ट्रिंग करूँ स्ट्रिंग करूँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा उसको. सेट टेक्स्ट डेटा आ गया आपका, सब ग्रेड आ गया सही. जो भी कैलकुलेशन वगैरह आपने परफॉर्म की हुई है और सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता सही. नहीं खुद करेंगे जब क्लियर होगा, जब ही क्लियर होगा. अब हमने डिस्प्ले ऑल तो कर लिया, एक वो कार वाला था उसमें डिस्प्ले ऑल था, इसमें तो इजीली डिस्प्ले ऑल हो सकता है. स्लैक की क्यूरी लगाई टेबल में शो कर दिया बस. लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर जो हम सर्च कर रहे थे वो अब करके देखते हैं वो कैसे होगा इसमें ना. इसमें लिस्ट उठा रहे थे फिर सर्चिंग कर रहे थे, इसमें देखें क्या होगा कि आप यहाँ मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट का नेम कोई भी डेटा और प्राइस दो चीजें मुझे बता दें. और ऊपर एक दे देते हैं सर्च बाय आईडी, आईडी आप तो नेम और फोन नंबर, नेम और प्राइस हम दे देंगे. या आईडी लिखो सर्च पे क्लिक करो और उसका डेटा आ जाएगा, ठीक है. इस पे हमारी क्या क्यूरी लगेगी देखो, सबसे पहले तो हम जो उसने यूजर नेम है आईडी दी है इस फील्ड में वो पिक कर लेते हैं, किसी वेरिएबल में रख लेते हैं. वैलिडेशन के बाद होगा ये काम कि भाई आईडी है मौजूद या नहीं, वरना एरर आएगा भाई आईडी दो. तो स्ट्रिंग आईडी इक्वल टू जे टेक्स्ट फील्ड थ्री डॉट गेट, या गई आईडी जो यूजर यहाँ एंटर करेगा इस वाली फील्ड, मैंने रख लिया उसको आईडी के वेरिएबल. अब क्यूरी लगाते हैं इस पे कि एस टी डॉट एक्सिक्यूट क्यूरी सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू प्लस आईडी, या कॉन्केट करके आईडी आ जाएगी सही. क्यूरी बैकएंड पे वही बन जाएगी, ये रिटर्न करेगी रिजल्ट सेट और उस रिजल्ट सेट का एक डेटा चाहिए ना हमसे. आर एस डॉट सेट टेक नाम इस पर आ जाए, सही है. इफ आर एस डॉट नेक्स्ट, एल्स अगर नहीं है तो एरर दे देंगे भी नॉट फाउंड.
record doesn't exist. And ID we have 4. इसमें ऐसा ही था. Four IDs packet. ID here 2. Search. ID given 8. सिंपल. वहां पे बड़ी मुश्किल और भी RLS में यहाँ पे एक क्यूरी लग के हो जाएगा ये काम. सही है, क्लियर. क्यूरी में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से लिखते हैं, स्ट्रिंग क्यूरी, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना के, ताकि जब समझने में आसानी हो. प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट, वही नीचे वाली क्यूरी है आईडी, और यहाँ पे इस वेरिएबल को पास करते हैं, जस्ट इसलिए कि समझने में आसानी हो, बाकी काम वही है दोनों. क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन रहती है ना, तो हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि भाई ये प्रिंटिंग में क्या क्यूरी आ रही है, ताकि प्रिंटिंग में पता चल जाता है कोई मिस्टेक होती है तो वहां आ जाती है. जैसे मैंने 5 दिए यहाँ पे, तो ये पूरी क्यूरी यहाँ प्रिंट हो गई, यही दिया था मैंने वेयर प्रोवाइड. सही. अब देखें इसमें एक चेंजिंग करता हूँ मैं, कि यहाँ पे सर्च करे बाय नेम और उसकी क्वांटिटी और प्राइस आ जाए. अब यहाँ पिक करेंगे नेम ये टेक्स्ट फील्ड 3 से, क्यूरी लिखेंगे भाई प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्राइस चाहिए फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट नेम इक्वल टू नेम. ऐसी क्यूरी है, सही है. और ये सेट हो जाए, क्वांटिटी पहले हुई जस्ट. अब अगर इसको रन करते हैं हम लेज लिख के, क्या आना चाहिए? एरर. देखें क्यों आई एक्सेप्शन. कॉलम नहीं है, लेकिन कॉलम तो मैंने कॉल ही नहीं किया लेस का. क्यूरी आपके सामने प्रिंट हो गई है और इसमें आ गया एरर. अब मैं घबरा रहा हूँ यार, क्यूरी पढ़ें क्यों है, क्यूरी में कोई मिस्टेक है या कहीं, क्योंकि क्यूरी चेंज हुई है और कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, कोई मिस्टेक है यहाँ पे. लेस तो है पीछे, और अगर नहीं होगा तो ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा. अगर नहीं होगा ना तो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा. नहीं, फिर भी एरर नहीं देगा. अभी क्या कह रहा है कि MySQL syntax error, कह रहे क्यूरी में syntax error है. क्या एरर है? आप लोगों ने क्यूरीज पढ़ी है तो सिंपल क्यूरी है, कोट नहीं है. सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में देते ना नेम, आईडी तो दे देते हैं बगैर कोटेशन के. लेज जो नाम दिया है मैंने, वेरिएबल का है लेज नाम का वेरिएबल, क्योंकि तो ये है ना. भी देखो ये क्यूरी में एज इट इज कॉपी करके यहाँ रन करता हूँ. नेम दिया उसकी, नेम दिया बिल्कुल उसी होती, वो आ गई नहीं. वो तो जहां मैंने नेम लिखा था वहां उसकी वैल्यू आ गई, लेकिन यहां भी एरर दे रही है. मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा ना, तो वहां भी मुझे इसी तरह लिखना पड़ेगा. अब ये ध्यान रखना है हमें, जहां इक्वल टू सर्चिंग वगैरह जो भी करेंगे ना इस तरह सिंगल क्वेश्चन के साथ, सही है.
नंबर है तो बगैर सिंगल कोटेशन के आ जाएगा, ये है सिंगल कोटेशन, डेट है तो हैश के साथ। अब इसमें सिंटैक्स एरर नहीं है क्वेरी। अब मैं यहाँ पे ले देता हूँ इसकी पैसा भी और क्वेरी भी अपनी, सही। तो जहां कैरेक्टर या नंबर सर्च करने हैं उस दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, सही। तो ये सर्चिंग हो गई हमारी नेम के साथ, क्लियर। तो जो एक मैंने दिया था टिकट नंबर सर्च कर टिकट प्रिंट हो जाए अब तो मसला नहीं है, डेटा पीछे मौजूद है, डेटा लेके आना है। टेबल्स हमारे पास इसमें टेबल है, इसमें एक इनवॉइस ऐड हुई भी है ये मार्क नाम से, ठीक है। डेट भी है इसकी, आईडी, और इसकी जो डिटेल्स है जो हमने फॉरेन की बनाई थी, डिटेल में इनवॉइस नंबर 1 और प्रोडक्ट आईडी लिखी हुई है 2, किसने 2 प्रोडक्ट परचेज की। अब डेटा मौजूद है हमारा 3 टेबल्स में, सही है, 2 में है और तीसरी उसको लिंक कर रही है। अब जावा पे इसको लेके आते हैं कि भाई सर्च करो नेम से या आईडी से, मैं नेम से कर रहा हूँ फिलहाल, किसी से भी कर लें, और यहां बता दे उसने प्रोडक्ट कितनी परचेज की, ठीक है। ये रख लेते हैं, भले हम एक लिस्ट के अंदर रख लेते हैं कि प्रोडक्ट के नेम्स आ जाए जो जो उसने परचेज की मार्क। सर्च पे हम क्या करेंगे, क्यूरी जो बनाएंगे ना, सबसे पहले तो नेम पिक कर ले। अब क्यूरी आपकी यहां बनेगी, प्रोडक्ट नेम जो है वो हमारे इस टेबल में मेन इनवॉइस में जिसमें मार्क है सर्च, इसमें मौजूद नहीं, सही। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट के नेम्स, और उन प्रोडक्ट के नेम्स जो मार्क ने परचेज किए। अभी 3 टेबल का काम है। अभी सबसे पहला डेटा हमें ये चाहिए, कह रहे हैं प्रोडक्ट के नेम सर्च करता हूं तो प्रोडक्ट के नेम यहां मौजूद है लेकिन यहां पे इनवॉइस नंबर नहीं मैच होगा। वहां जाता हूं मैं तो वहां जाके सिर्फ नाम आएगा, और इस टेबल में आता हूं इसमें इनका रिलेशन मौजूद है। सबसे पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे उसे नाम दिया है मार्क, या तो मैं बीच वाले टेबल में से मार्क के जो डेटा है पहले वो पिक कर लूं, जो उसने प्रोडक्ट परचेज किए इसमें वो पिक कर लूं, मार्क की आईडी पिक करूं और ये दोनों चीजें पिक कर लूं। तो इसको क्यूरी को हम किस तरह लिखेंगे, यहां पे सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम इनवॉइस डिटेल्स, वेयर, अब इनवॉइस डिटेल में है इनवॉइस नंबर जो है इक्वल टू, यहां सब क्यूरी लग जाएगी, सेलेक्ट इनवॉइस नंबर फ्रॉम मेन इनवॉइस वेयर, ये वाली आ जाएगी, कस्टमर नेम इक्वल टू मार्क, वेयर कस्ट नेम इक्वल टू मार्क। अब इस मार्क की जगह पे जो ऊपर से पिक किया हमने वाले,
ये क्यूरी क्या करेगी, ये सबसे पहले सब क्यूरी अंदर वाली, ये इनवॉइस नंबर लेके आएगी मार्क का या जो भी नाम उसने दिया उसका, और वो इनवॉइस नंबर देगी इसको। ये क्यूरी क्या करेगी, उस इनवॉइस नंबर की तमाम प्रोडक्ट आईडीज ले आएगी यहां पे, जो भी इनवॉइस डिटेल टेबल में होंगी, प्रोडक्ट आईडी ले आएगी। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट आईडी को लिस्ट में डिस्प्ले कर देते हैं। पहले ये करते हैं एक काम कि रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू एस टी डॉट क्यूरी वाइल, क्योंकि अब लिस्ट में डिस्प्ले कर रहा हूँ और सारा डेटा चाहिए, ठीक है। मॉडल बनाना पड़ेगा लिस्ट का, इसमें यहां पे मैंने नाम दिया मार, उसकी प्रोडक्ट आईडी डाली, यहां नाम दिया कुछ और, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो पहला काम तो मेरा हो गया कि प्रोडक्ट आईडी डाली, लेकिन हमें आईडी नहीं चाहिए, हमें चाहिए उनके नेम। अब हम क्या करेंगे कि वाइल के अंदर यहां पे लिस्ट में लोड हो गया डेटा, इसके बाद यहां पे अब इस लिस्ट को आइटरेट करें, एक एक एलिमेंट पिक करेंगे लिस्ट और एक एक की आईडी उठाएंगे। कैसे, फॉर आई जीरो आई लेस देन मॉडल डॉट साइज आई प्लस प्लस, ये लूप चलेगा जितने मॉडल में एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट क्या है, मॉडल डॉट गेट आई, आईडी आ जाएगी प्रोडक्ट की, इसमें सही आ जाएगी। यहां मैं क्यूरी बना रहा हूं दूसरी एक और, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू, आगे जो प्रोडक्ट आईडी वहां पे ऊपर आई है मेरे पास, क्यूरी नाम का वेरिएबल पहले से मौजूद है मेरे पास, पहले उसको ओवरराइड कर दो। टाइम हो गया, पांच मिनट। अच्छा, मैम को 2 मिनट में ऑफर कर। अच्छा, क्यूरी ये जो है इसको हम रिजल्ट सेट में रखते हैं, रिजल्ट सेट एक में बना रहा हूँ आर एस वन के नाम से, एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी क्यूरी, और इसको अब हम क्या कर रहे हैं, अभी लेके आएगा एक रिजल्ट, एक एक करके लेके आएगा, ये आईडी एक एक बार चलेगी रिजल्ट। जो लिस्ट में प्रोडक्ट आईडी आई थी ना, पहली लेके आएगा पहली बार में जब लूप चलेगा, फिर दूसरी आईडी लेके आएगा जो आईडी होगी। देखो मैं इसमें देखो यहां तक लिस्ट में सेट हो गया। अब मैं ये प्रिंट कराता हूं कि मैंने जो लूप लगाया है इसमें प्रोडक्ट आईडी जो मैंने लिए क्यों ली। इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि सर्च पे वो प्रिंट हो रहा है बस, लिस्ट लोड होने के बाद जो भी डेटा लिस्ट में है ना वो एक एक करके प्रिंट हो रहा है बस, सही है। एक एक करके उस डेटा को उठा रहा हूं। अब अगर मैं उस एक एक करके उसकी क्यूरी बना रहा हूं तो क्यूरी ऐसी बन रही है उसकी, क्यूरी प्रिंट करा के दिखाता हूं आपको। ये जो मैंने क्यूरी में फिट किया है उसको वो इस तरह किया,
पीछे से दो डेटा है दो आ गए, जितना डेटा होगा ना उतनी, अगर नहीं है कुछ भी तो कुछ भी नहीं होगा। मैम वेट कर रही है हम लोग, इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है, ये फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।